अपराधी हूँ। अगर इस देश के हितों में बात करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। और अगर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता लागू कर इस देश के लोगों को एक समान, खास करके महिलाओं को एक समान अधिकार देने का काम करना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा फल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है पत्थर खूब धमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम संघर्षों के आदि हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगा, हम संघर्षों के आदि हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा पर हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, पर हर संकट का हल होगा। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, आज जिस नागरिक संहिता का नाम लेते ही इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति प्रारंभ हो जाती है। आज जिस देश नागरिक संहिता का नाम लेते ही इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति के दुकान को चलाने के लिए अपने भ्रष्ट नीति से, अपने काले जवान से अखबार के काले अक्षरों से में उस अखबार में छपने का प्रयास करते हैं, इस देश के लोगों को जाति, इस देश के लोगों को धर्म संप्रदाय में तोड़ने का प्रयास करते हैं, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता को खोखला करने का कार्य करते हैं। मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को बताना चाहता हूँ, समान नागरिक संहिता इस देश के सभी नागरिकों के लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नारी हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत के कार्यकर्ताओं के सामने मैं आह्वान करता हूँ कि बहुत हो चुके सवाल, अब जवाब चाहिए, बहुत हो चुके सवाल, अब जवाब चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक हिसाब चाहिए। और वर्षों से खोलता हुआ लहू अब पुकार रहा है कि सदी को भी अब नया एक इंकलाब चाहिए, इस सदी को भी अब नया इंकलाब चाहिए। निश्चित तौर पे अब सवाल पूछने का समय खत्म हो गया, अब उस सवाल के जवाब को भी ढूंढने का समय खत्म हो गया। एक नौजवान होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक छात्र संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते अब निर्णय इस मंच से होनी चाहिए कि निश्चित तौर पर जो रिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए अति आवश्यक है। और रही बात विरोध करने की, अगर रही बात विरोध करने की, तो वो जिन्हें हमेशा अपने मुख से बीस उगलते रहने का ही कार्य करना है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, वो तो विरोध कश्मीर में धारा 370 के लिए भी कर रहे थे। वो तो विरोध जो हमारे आस्था का केंद्र राम मंदिर है, वो उसके लिए भी विरोध कर रहे थे, और वो तो विरोध ट्रिपल तलाक के लिए भी कर रहे थे। तो ऐसे विरोधियों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, बस समाज में ऐसे मुद्दों के लिए क्रांति फैलाने की आवश्यकता है। और क्रांति फैलाने में मुझे विश्वास है कि क्रांति फैलाने में अगर इस देश में किसी एक संगठन को सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से ज्यादा क्रांति फैलाने का सामर्थ्य और पुरुषार्थ किसी में नहीं है।